कर लाइए। ठीक है भैया, लेके आए। हाँ। अरे बबलू, तुम तो दिखाई नहीं दे रहे हैं आजकल, क्या बात? अब क्या बताएं मास्टर जी, हमारी अम्मा का विधवा पेंशन अभी तक नहीं हो पाया है। अच्छा। घर में बिजली के कनेक्शन के लिए हम तो एकदम तंग आ गए। वही गाँव में नल तो लग गया पर पानी नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। लोक सेवा गारंटी की शक्ति का प्रयोग। लोक सेवा गारंटी? हाँ भाई, आम आदमी के अधिकारों को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश में पिछले एक साल से भी ज्यादा से लोक सेवा गारंटी कानून लागू। इसके अंतर्गत हर कार्य के लिए एक समय सीमा निर्धारित है। यदि कोई अधिकारी आपका कार्य नहीं करता है या बिना कारण देरी करता है तो उसके खिलाफ दंड का प्रावधान। इस कानून के अंतर्गत 16 विभागों की 52 सेवाओं का लाभ मिलेगा। तुम्हें ये सुनकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा की गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य है। और इस क्रांतिकारी अधिनियम से प्रेरित होकर देश के अन्य राज्य भी इसे लागू कर रहे हैं। मास्टर जी, तो चमत्कार है। चमत्कार नहीं, मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी आपका कानूनी अधिकार है। आदमी जाए तो 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने में उसका निश्चय कर दो कि भाई ये काम इतने दिन में होगा, और वह काम उतने दिन में ना हो तो संबंधित अधिकारी के ऊपर पहले आर्थिक दंड दिया जाए, और बार बार यदि वो गलती करता है तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाए। ऐसी व्यवस्था हिंदुस्तान में होगी तभी प्रजा सुखी होगी। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। भूख आपको अभी लगा है, खाना 15-20 दिन बाद मिले तो शायद आप उस खाने को एंजॉय करने तक जिंदा ना बचें। इसी कंसेप्ट को जो मॉडर्न वेलफेयर स्टेट्स हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक स्टिपुलेटेड टाइम में या टाइम बाउंड मैनर में सिटीजन्स तक सर्विसेज पहुंचाने की बात करते हैं। 2010 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट लेके आया था, जो कि बाध्य करता है सरकारी कर्मचारियों को या ब्यूरोक्रेट्स को कि दिए हुए टाइम में आप दी हुई सर्विस या मांगी हुई सर्विस उस पर्टिकुलर सिटीजन को पहुंचाएं। इसी तरह हिमाचल प्रदेश ने भी इसके लिए इनिशिएटिव लेते हुए 2011 में 21 सितंबर को लेजिस्लेटिव असेंबली में ये एक्ट पास किया, जो कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 के नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नोटिफिकेशन हुई, रूल्स बने और इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। अभी जो हमने क्लिप्स देखी उसमें हम देख रहे थे कि मध्य प्रदेश कैसे इसको प्रमोट कर रहा है और जितने बुद्धिजीवी लोग हैं हमारी सोसाइटी के वो कैसे एक स्टिपुलेटेड टाइम बाउंड मैनर में सर्विसेज चाहते हैं, सिटीजन्स को सर्विस देना चाहते हैं। अभी हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 की। इसको गैजेट नोटिफिकेशन द्वारा, जिसको राजपत्र कहते हैं, उसके द्वारा एक तरह से सभी लोगों तक उसका इन्फॉर्मेशन पहुंचा दिया गया या उसको लागू कर दिया गया। ये जो एक्ट है पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू हो गया है ना। अब इसमें अलग अलग जो स्टेक होल्डर हैं उसको डिफाइन किया गया। फॉर एग्जांपल, एक जो है एप्लीकेंट है ना, एक एप्लीकेंट है जिसको सर्विस चाहिए तो उसको डिफाइन किया गया कौन कौन एप्लीकेंट हो सकता है, कौन सी सर्विस चाहिए उसको नोटिफाई किया गया, क्योंकि दिस पर्टिकुलर थिंग इज अ सर्विस, उसको नोटिफाई किया गया। देन किसके पास जाएगा, तो जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, उसको डिफाइन किया गया, उसकी पूरी टीम को डिफाइन किया गया कि कौन डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा। अब मान लो उसकी शिकायत नहीं सुनी जा रही है या उसका काम नहीं हुआ स्टिपुलेटेड टाइम में, तो वो किसके पास जाए, तो वो एपलेट अथॉरिटी, फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी को ईयरमार्क किया गया। अब मान लो फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी के पास जाने से भी उसकी समस्या का निवारण नहीं हुआ या स्टिपुलेटेड टाइम में उसको सर्विस प्रोवाइड नहीं हो पाई, तो सेकंड जो एपलेट अथॉरिटी है उसको भी ईयरमार्क किया गया। 2005 में जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा सेंटर में ये एक्ट लाया गया था, उसी के तहत जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है उनको बनाया गया था। तो ये सारे भी इसके ऊपर नजर रखते हैं, स्पेशली सेकंड एपलेट अथॉरिटी के ऊपर। अब स्टिपुलेटेड टाइम कितना होगा, ये सरकार टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस के थ्रू गैजेट निकालता रहता है, राजपत्र निकालता रहता है, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग स्टिपुलेटेड टाइम रहता है, तो ये नोटिफिकेशन में रहेगा। तो जैसे ही आप किसी पर्टिकुलर काम को के लिए एप्लीकेशन देंगे, अगर वो टाइम से नहीं होता है जो स्टिपुलेटेड टाइम दिया गया है सरकार द्वारा, तो आप फिर आगे शिकायत कर सकते हैं एपलेट अथॉरिटी, फर्स्ट के पास, नहीं होता फिर सेकंड के पास। इसी सीक्वेंस में ये सारा काम चलता है। अब जैसे आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, स्टिपुलेटेड टाइम जो है वो तब शुरू हो जाता है जब जो एप्लीकेशन है वो या तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास पहुंच जाती है या उसके सबॉर्डिनेट्स या उसके स्टाफ के पास पहुंच जाती है। अब जैसे ही एप्लीकेशन डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास पहुंचती है, तो या तो वो
उस सर्विस को एप्लीकेंट को दे देता है या उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है। लेकिन अगर वो उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है तो उसके लिए रिटर्न में उसको रीज़न देना पड़ता है कि किस वजह से उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। अब जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है तो जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उस पर्टिकुलर पर्सन को इंटीमेट करेगा कि उसकी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हुई है और कितना टाइम उसके पास है दोबारा से अपील करने का, और अगर उसको इस रिजेक्शन के खिलाफ किसी एपलेट अथॉरिटी के पास शिकायत करनी है तो वो कौन होगा, एपलेट अथॉरिटी कौन है। मतलब तीनों के तीनों ऑप्शन जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है वो उस इंडिविजुअल को दे देता है। और अगर जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं करता है या इवन रिप्लाई भी नहीं करता है इंडिविजुअल को, तो इंडिविजुअल जो है वो डायरेक्टली एपलेट अथॉरिटी के पास जा सकता है, मतलब फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी के पास जा सकता है। क्या होता है, मान लो जो एप्लीकेंट है उसकी एप्लीकेशन या तो रिजेक्ट हो गई या स्टिपुलेटेड टाइम में उसको सर्विस नहीं मिली, तो वो एप्लीकेंट फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी के पास अपनी शिकायत लेके जा सकता है। ये जो फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी है ये 30 दिन इसके पास समय रहता है, 30 दिन में ये उस एप्लीकेशन को या उस शिकायत को कंसीडर कर सकता है। अब जैसे ही फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी ने कंसीडर कर लिया, उसने जेन्युइन माना उसकी एप्लीकेशन को या शिकायत को, एप्लीकेंट के शिकायत को, तो उसके पास दो ऑप्शंस रहती हैं। एक, ये जो एपलेट अथॉरिटी है ये डेजिग्नेटेड ऑफिसर को इंस्ट्रक्शंस देगा कि इस शिकायत को सुना जाए या फिर सर्विस प्रोवाइड की जाए, या उस शिकायत को रिजेक्ट भी कर सकता है। सो 30 से 35 दिनों में ये सारी कार्रवाई पूरी हो जानी चाहिए। और फिर भी अगर मान लो डेजिग्नेटेड ऑफिसर उसके ऊपर सुनवाई नहीं करता है तो जो एप्लीकेंट है या जो एग्रीव्ड है वो सेकंड एपलेट अथॉरिटी के पास अपनी शिकायत लेके जा सकता है। अब हम बात करेंगे पावर्स और फंक्शंस की जो सेकंड एपलेट अथॉरिटी के पास हैं। सेकंड एपलेट अथॉरिटी के पास 60 दिनों का समय होता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा समय होता है, और इसी दौरान वो डिसाइड करता है कि जो हमारे पास शिकायत आई है वो जेन्युइन है या नहीं है। अगर उसको लगता है जेन्युइन है तो वो आगे प्रोसीड करता है उस शिकायत को। उसी तरह ये जो सेकंड एपलेट अथॉरिटी है ये डेजिग्नेटेड ऑफिसर को इंस्ट्रक्शंस देता है कि सर्विस प्रोवाइड करी जाए एग्रीव्ड एप्लीकेंट को, या उसको लगता है कि एप्लीकेंट जो है वो जेन्युइन नहीं है तो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है अपील को। इसी तरह सेक्शन 8 में पेनल्टी इम्पोज करने का भी पावर है एपलेट अथॉरिटी को डेजिग्नेटेड ऑफिसर के लिए, मतलब विभाग के खिलाफ वो एक पनिशमेंट भी दे सकता है। सो अब पावर्स की बात करें तो जो सिविल प्रोसीजर कोड है 1908 का ये कोड है, सिविल जो सर्विसेज होती हैं उनमें ये कोड लागू होता है, तो उस कोड के तहत जो एपलेट अथॉरिटीज़ हैं उनको कुछ पावर्स मिली हुई होती हैं। सो ये जो एपलेट अथॉरिटीज़ हैं ये कोर्ट की तरह भी काम करती हैं और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद निर्णय ले सकती हैं या फैसला सुना सकती हैं। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जैसे आपने देखा कि रेप के केसेस में जो ओनस होता है खुद को बेकसूर साबित करने का, वो जो कल्प्रिट है उसके ऊपर होता है, जो मेल होता है उसके ऊपर होता है। इसी तरह इस केस में भी जो मैंने स्टिपुलेटेड टाइम में सर्विस दिया या मैंने स्टिपुलेटेड टाइम में एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया, ये सारा ओनस होता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर के ऊपर। चलो अभी आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि अगर मान लो डेजिग्नेटेड ऑफिसर ने स्टिपुलेटेड टाइम में सर्विस नहीं दिया या उसने गलत तरीके से एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया तो उसके ऊपर किस तरह की पेनल्टीज लगाई जा सकती है। इस एक्ट में तीन तरह की पेनल्टीज की बात करी गई है। अगर मान लो एपलेट अथॉरिटी को लगता है कि जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है उसने स्टिपुलेटेड टाइम में सर्विस नहीं दिया और जानबूझ के उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, तो उसके पास तीन ऑप्शंस हैं, तीन तरह की पनिशमेंट उसको दे सकता है। नंबर वन, उसको फाइन डालेगा, ये फाइन जो है 1,000 से 5,000 रुपए के बीच में होगा। सेकंड, ये जो फाइन है वो जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है या ऑफिसर है उसको प्लस उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, पूरा ऑफिस है, उस ऑफिस के पूरे स्टाफ को भी वो जो फाइन है वो बांट कर उसके सभी के हिस्से में आ जाएगा। थर्ड,
अगर सेकंड एपलेट अथॉरिटी को ये लगता है कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर ने जानबूझ के उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है। उसके लिए भी जो कंसर्न्ड या ऑथराइज्ड जो अथॉरिटी है उसको वो रेकमेंड कर देगा, जो सेकंड एपलेट अथॉरिटी है, मतलब सेकंड एपलेट अथॉरिटी रेकमेंड कर देगा डेजिग्नेटेड ऑफिसर का केस टू हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ हिज और हर डिपार्टमेंट के उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन किया जाए या लिया जाए। अब देखने में ये बहुत हार्श लग रहा है लेकिन इतना भी हार्श नहीं है। जो भी एक्शन गुड फेथ में लिया जाता है इस तरह के केसेस में तो उसमें भी वो प्रोटेक्टेड है। तो जितने भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं, डेजिग्नेटेड स्टाफ है या फिर एपलेट अथॉरिटीज हैं, दे आर इम्यून टू टेक लीगल एक्शंस अगेंस्ट देम इफ दे आर डूइंग द थिंग्स इन गुड फेथ। सेकेंडली, ये जो एपलेट अथॉरिटीज हैं इनको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो इनको भी इम्यूनिटी मिला हुआ है। अब अगर कानून या रूल बनाने की बात हो इस टॉपिक पे या इस एक्ट में, तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है या विधानसभा है वो ही इसके ऊपर नया रूल या कानून बना सकती है और वो गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू पब्लिक डोमेन में ले आती है। अब अगर कुछ डिफिकल्टीज हो रही हों इसको इम्प्लीमेंट करने में, तो वो गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी है कि उस डिफिकल्टी को दूर किया जा सकता है या गवर्नमेंट उस डिफिकल्टी को दूर करके उस प्रोसेस को आसान बना सकती है। अब इस पूरे टॉपिक को आसानी से समझने के लिए एक छोटा सा केस लेते हैं। ये 1 फरवरी 2020 का नोटिफिकेशन आया है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से हिमाचल प्रदेश के। सो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, सीनियर सेकेंडरी और हाई स्कूल्स, उनके प्रिंसिपल्स को ये दिया गया है, ये जो नोटिफिकेशन है। अगेन, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 के तहत ये नोटिफिकेशन मिला है। इसमें जितने भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं, मतलब प्रिंसिपल्स हैं इन स्कूल्स के, और फर्स्ट एपलेट अथॉरिटीज हैं, उनको समयबद्ध तरीके से स्टिपुलेटेड टाइम में काम करने की एक तरह से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। अगर ये लोग स्टिपुलेटेड टाइम में काम नहीं करते हैं या गलत काम कर देते हैं, मतलब एप्लीकेंट को सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो इनके खिलाफ जो पेनल्टी अभी हमने पीछे बात करी वो इनको फेस करनी पड़ सकती है। तो डायरेक्टर हायर एजुकेशन डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा, तो ये अंडर साइंड है और ये सारे लोगों को ये लेटर जा रखा है, सबको कॉपी जा रखी है। अब नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सेक्शन 3 जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट का, 2011 का जो एक्ट है, उसी में ये सारा चीज़ें कवर होती हैं। उस सेक्शन में ही डेजिग्नेटेड ऑफिसर और फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी को स्टिपुलेटेड टाइम देने की बात कही जाती है। तो अब इस नोटिफिकेशन में इन लोगों को स्टिपुलेटेड टाइम का बताया गया कि भाई साहब आपने इस काम को इतने टाइम में करना है। जैसे कि फर्स्ट जो सीरियल नंबर है उसमें जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है वो हेडमास्टर या प्रिंसिपल है उस कंसर्न्ड स्कूल या कॉलेज के, और सेम डे ही वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट उनको देना पड़ेगा। अगर मान लो वो सेम डे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, तो जो फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी है, डिप्टी डायरेक्टर जो है हायर एजुकेशन के उस पर्टिकुलर जोन के, उनको अप्रोच कर सकता है एप्लीकेंट। इसी तरह जो एक सेकंड है, इशुएंस ऑफ आर्काइवल स्कूल या कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट, उसमें एक हफ्ते का टाइम है स्टिपुलेटेड टाइम। अगेन, हेडमास्टर या प्रिंसिपल हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज या स्कूल के जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं, और जो फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी वो सेम है डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन के। इसी तरह बाकी अलग अलग जो काम है, बस पास की बात कर रहे हैं या फिर अटेस्टेशन की बात करें, उसके लिए अलग अलग स्टिपुलेटेड टाइम दिए गए हैं। इवेल्यूशन ऑफ आंसर शीट्स के लिए 1 वीक और फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी सेम है। उसी तरह अगर आपको NOC चाहिए प्राइवेट स्कूल एस्टेब्लिश करने के लिए, तो जो डायरेक्टर हैं हायर एजुकेशन के उनको 15 दिन का इसमें स्टिपुलेटेड टाइम दिया गया है। सेक्रेटरी जो है एजुकेशन के, उनको इसमें फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी बनाया गया है। इसी तरह बाकी कामों में भी अलग अलग लोगों को अलग अलग स्टिपुलेटेड टाइम दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है जिसको हम स्टडी कर सकते हैं और इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि कैसे स्टिपुलेटेड टाइम में किन किन लोगों को जिम्मेवार बनाकर उस सर्विस को एंश्योर किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। गोपाल शर्मा जी जो IAS ऑफिसर हैं और स्पेशल सेक्रेटरी हैं एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के, तो उन्हीं का अंडर साइंड ये लेटर है। सो स्पेशल थैंक्स टू हिम। सो गाइज, अगर आपको कभी इस तरह की समस्या आ जाए कि स्टिपुलेटेड टाइम में आपका काम नहीं हो रहा है ये, या फिर आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है
बिना किसी खास वजह के, तो आपको दो कॉपीज जो हैं फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी के लिए या फिर तीन कॉपीज जो हैं सेकंड एपलेट अथॉरिटी के लिए ये सारी डिटेल लेके शिकायत कर देनी है, जिसमें सबसे पहले आपका नाम और एड्रेस होगा, इसके साथ उस डेजिग्नेटेड ऑफिसर का डिटेल जिसके खिलाफ आप शिकायत करना चाह रहे हैं, जिन्होंने स्टिपुलेटेड टाइम में आपका आपको सर्विस नहीं दिया उनका डिटेल, देन फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी अगर उसके पास आप जा चुके हैं तो उनका डिटेल, और अपना शिकायत का ब्यौरा, आप किस तरह का रिलीफ चाहते हैं उसकी बात, और इस तरह की और सारी इंफॉर्मेशन जो भी आप देना चाहते हैं। इसके साथ ही सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज जो हैं ऑर्डर की वो इसके साथ अटैच होंगी, और डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाए थे वो भी इसके साथ लगेंगे, और एक इंडेक्स बन जाएगा जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप एनेक्स कर रहे हैं अपनी अपील के साथ उन सब का। इसके बाद जो भी एपलेट अथॉरिटीज़ हैं उनका उनका मर्जी होता है, या तो वो डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करके ही आपको जस्टिस दे दें, या फिर हो सकता है आपको वो बुलाकर आपका जो मैटर है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें, आपको एग्जामिन करें। इसके बाद जो एपलेट अथॉरिटीज़ हैं उनका अपना काम करने का तरीका है, या तो वो डायरेक्टली एपलेंट को डायरेक्ट कर देंगी, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आपको एक्नॉलेजमेंट भेज दिया जाएगा, या फिर जो कंसर्न्ड डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उसके थ्रू आपके साथ कम्युनिकेशन किया जा सकता है। आपको एक हफ्ता पहले बता दिया जाएगा कि आपके साथ अगर कोई इंटरेक्शन होना है कंसर्न्ड एपलेट अथॉरिटी का, तो यू विल बी टोल्ड टाइमली। इसके बाद प्रोसीजर होता है जो एपलेट अथॉरिटीज फॉलो करती हैं, अगर पेनल्टी लगने की बात हो तो पेनल्टी लगती है, पैसा जमा किया जाता है गवर्नमेंट के खाते में, और इस तरह से आपकी शिकायत का निपटारा किया जाता है। अलग अलग जो फॉर्म हैं वो ऑलरेडी वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं अगर आप उनको यूज करना चाहें, नोटिस बोर्ड्स पे भी ये इंफॉर्मेशन लगा दी जाती है कंसर्न जो एपलेट अथॉरिटी है उसके द्वारा। सो गाइज, अभी हमने देखा कि कैसे जो वेलफेयर स्टेट है वो अपने सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए स्कीम्स के साथ साथ जो एक्ट्स हैं या सिटीजन्स की एम्पावरमेंट है थ्रू एक्ट्स एंड रूल्स ओनली, वो कैसे एंश्योर करता है। बस गुंजाइश है कि आप उस चीज़ को समझें, आप अपने राइट्स को जानें और उनको यूटिलाइज करें। एट द सेम टाइम बींग अ रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल सिटीजन, वी शुड एंश्योर के हम अपने जो कर्तव्य हैं, जो अपनी ड्यूटीज़ हैं, उनको भी टाइम से निभाएं, स्वच्छता रखें, रिसोर्सेज का वाइज यूज़ करें, और गवर्नमेंट भी हमसे ही जुड़ के बना है तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, और फेयर और करप्शन फ्री मैनर में अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें, और अपनी जिम्मेवारियों को समझते हुए अपने राइट्स को यूटिलाइज करें। सो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे, टिल देन टॉपिक वाइज जय हिंद।